हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जब से एग्जाम हुआ है 19 तारीख को, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है सर कट ऑफ कितना जाएगा। देखो, एक सामान्य सा बात है, ये एक सामान्य सा क्वेरी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उसके मन में बहुत ही हलचल मचा होता है कि क्या पास हो गए या ठीक नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर चुका होता है बच्चा, तो उसके दिल में एक सामान्य से क्वेरी होती है, तो मैं उस क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एग्जाम का लेवल कैसा था, है ना, कितने स्टूडेंट अपेयर किया है और कितने वैकेंसी निकले हैं वगैरह वगैरह। मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो अभी एग्जाम में क्या क्या हुआ था ना, वो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो पैसेज जो था ना, तो पैसेज काफ़ी लेंदी था, तो इंग्लिश का मैं ये बोल सकता हूँ कि हाई लेवल तो मैं नहीं कह सकता इंग्लिश का, मैं ये कहूँगा कि मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट से हाई लेवल आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कट ऑफ से काफ़ी हाई चला जाएगा। जो सेक्शनल कट ऑफ है, स्टूडेंट अगर अच्छा से अपेयर किया होगा बंदा, तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है इंग्लिश में। इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ टफ, इतना नहीं था। और जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ना, जो सारी जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुना है और मैं ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जाम सेंटर में गए थे और उसका वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर के जो निकल रहे हैं, उसी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आपके एग्जाम कैसे, वो सारे स्टूडेंट ऐसे बता रहे हैं। वो सारी एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग का सेंटर के जो लोग हैं वहाँ गए थे और उन लोगों ने पूछा है, तो वही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अब इंग्लिश की बात हो गई, चलो देखते हैं अभी रीजनिंग की बात। देखो, रीजनिंग एक ऐसा है ना, काफ़ी पैसे जो पजल जो आए थे थोड़ा लेंदी था पजल, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मॉडरेट टू टफ लेवल गया था रीजनिंग का। मैं नहीं कहूँगा कि ईजी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन फिर भी जैसे कि जो क्रीमी लेयर जो क्वेश्चन है, जैसे सलॉजिज्म है, इनइक्वालिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है पजल्स को छोड़ के, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली थे। अगर किसी का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन हुआ है तो काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे उसको। देखो, मेनली स्ट्रैटेजी होता है, कितना भी ये टफ क्यों ना आ जाए, आप आराम से आप अपना जो मार्क्स है उसको स्कोर कर सकते हैं, जितना मार्क्स लेना चाहते हैं आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पजल्स में जाना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पजल्स जो है, दो पजल्स ईजी थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट दो पजल बनाया था, टोटल चार पजल आया था। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं मैथ्स का। मैथ्स का अगर मैं बताऊँ तो मैथ्स का लास्ट ईयर का जो 2018 का जो बातें थी, उस बातों को मैं गौर करके मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स का बहुत लकी है जो वो स्टूडेंट जो मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर इजी आया था। अगर मैं बताऊँ बहुत अच्छी तरह से, तो मैथ्स का पेपर इजी ही नहीं, बहुत इजी आया था। ठीक है, तो मैथ्स कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा अच्छा है ना मैथ्स में, तो अच्छा स्कोर कर जाएगा मैथ्स में। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही होता है कि कहते हैं कि सर मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं आया था, ईजी था। तो मैं ये कहूँगा कि मैथ्स अगर किसी, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का मैथ्स प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ईजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं मैथ्स को, मॉडरेट टू टफ तो नहीं कह सकता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जीके। तो जीके का बाद देखो, जो करंट अफेयर्स का जो है ना, लास्ट टू मंथ्स का ही आया था, तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। जो जीके का जो पेपर था वाज ए वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर था, तो काफी अच्छा पेपर आया था। देखो एक बात है ना, कि ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी टू वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब लास्ट ईयर का मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो 2018 का जो वैकेंसी था 7000 वैकेंसी था, 7000, लेकिन अभी इस बार जो 2019 का जो वैकेंसी है, देखो 12000 वैकेंसी है। ठीक है, तो 12000, और इसमें एक ट्विस्ट है 12000 में, क्योंकि पीएनबी ने अपना प्रेस रिलीज में कहा है कि पीएनबी ने कि पीएनबी अपना वैकेंसी बढ़ाएगा। तो अगर पीएनबी अगर मैं वैकेंसी बढ़ाना का बात है, तो 12000 है अभी, तो नाना करके भी अगर आप देखते हैं तो 13000 के लगभग, और भी बहुत सारे बैंक ऐसा हो सकता है। देखो हमेशा वैकेंसी बढ़ा है, ठीक है, फाइनल जब रिजल्ट जब आता है, कट ऑफ जब आता है, तो हम लोग को ये पता चलता है कि फाइनली जो है वैकेंसी बढ़ा हुआ है। तो अगर पीएनबी वैकेंसी बढ़ाता है, तो हो सकता है और भी बहुत सारे बैंक ऐसे हो जो वैकेंसी बढ़ाने के चक्कर में हो। तो अगर वैकेंसी बढ़ गया, तो मैं मिनिमम ले रहा हूँ, अगर वैकेंसी बढ़ता तो क्या होता है, देखो 12000 का वैकेंसी तो निकला हुआ एकदम श्योर शॉट है, लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ता तो वो 13000 का वैकेंसी, देखो 7000 और 13000 लगभग डबल हो गया वैकेंसी। ठीक है, एक बात है इसमें, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पेपर ईजी आया हो इस बार, नंबर वन बात। ठीक है, ये हो सकता है, ये मेरा मानना है, अब क्या हुआ है गॉड नोज। ठीक है, तो पेपर वॉज इजी। देखो 2000 अगर मैं ये कहूँ कि 2018 और 2019 का पेपर, तो जमीन आसमान का फर्क है, पेपर इजी था। अब मान लो जैसे भी हो, आप प्रीलिम्स पे पास करके जो मेंस में गया उन लोग खुश है,
पेपर वॉज नॉट टफ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एग्जाम का कहूंगा कि ओवरऑल जो एग्जाम है 2019 का, 19 टू 20 का जो एग्जाम है, वॉज पेपर इजी। हाँ, टफ नहीं था, पेपर इजी था। जो मेहनत जिसने किया है उसको रंग लाएगा, वो मेहनत रंग लाएगा, उसको जॉब मिलेगा। हाँ, और एक बात है, तो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, फाइनली कट ऑफ का बात करें, देखो कट ऑफ का अगर मैं बहुत ही सोच समझ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ भी बोल दिया कट ऑफ, यार लो मैंने बोल दिया और आप पकड़ लो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। देखो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कट ऑफ ठीक है 90 to 105 तक जा सकता है कट ऑफ, ठीक है 90 to 105 कट ऑफ जा सकता है। इससे हो सकता है कि इससे 2-3 माइनस हो जाए या फिर 2-3 प्लस हो जाए, लेकिन कट ऑफ इसके आसपास रहने का चांसेस है, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी खबर है वो स्टूडेंट लोगों के लिए, कि जो जिसने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, है ना, और बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि अगर कोई एग्जाम पास होता है तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि लक भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए उसको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम बहुत अच्छे से देकर के फाइनल रिजल्ट नहीं आया, और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम ऐसे ही यार अटेंड करके आ गया तो फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से भी होता है, बहुत सारे लक फैक्टर्स भी होते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा से रहना और अपना ख्याल रखना। और फाइनली जाते जाते मैं एक और बात बोलूँगा आपको, कि जो ये 2019 जो एग्ज़ाम जो चल रहा था 2020 तक, ये एग्ज़ाम हो गया, देखो अब इसको कुछ नहीं कह सकते, है ना, आपने जैसा एग्ज़ाम दिया उसको वापस से रिवर्स कुछ नहीं कर सकता, मतलब दिस नथिंग टू, आपके अंडर, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है इसमें। लेकिन एक बात है कि 2020 में RBI असिस्टेंट का वैकेंसी निकला हुआ है, आपने फॉर्म भरा होगा, आई होप सो। और जो SBI का जो है 8,000 वैकेंसी निकला हुआ है, ये 31 तक उसका, अभी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी वैकेंसी है। और NTPC का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत अच्छा सा एग्जाम है, ठीक है। और जो हो गया सो हो गया, अब देखो किसी का एग्जाम अच्छा भी हुआ होगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि किताब बंद करके घर में बैठो, यार अब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो गया है तो उसका मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे तो जॉब मिल ही जाएगी, ये बेवकूफ़ का बात होगा, बेवकूफ़ी का बात होगा, ऐसा नहीं करना। देखो प्रिपेयर है, ये बेस बनाओ यार, बेस बनाओ, बेस बना करके आगे बढ़ो, SBI के लिए, RBI के लिए, NTPC के लिए, ठीक है। और SBI का जो PO का जो एग्जाम है वो कुछ ही दिन बाद में ये इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो SBI PO का भी एग्जाम है इस साल, बहुत अच्छा साल है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सारी चीज़ आपके हाथ में है, कि देखो जब बच्चा जब एग्जाम देता है ना, मैं आपके एक्सपीरियंस से कहता हूँ, दो चीज़ें संभालता है कोई भी बंदा जो एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो दे रहा है, वो एग्जाम के पेपर संभालता है और दूसरा वो अपने आप को संभालता है, ठीक है। अगर आपने ग्रांटेड ले लिया ना कि एग्जाम अच्छा होगा, तो आपने अगर ग्रिप छोड़ दिया पढ़ाई में, तो भैया RBI भी गए, SBI भी गया और NTPC भी गया, समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपको IBPS मिल भी गया, अगर आप SBI में अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो अच्छा ब्रांड है ना, आप काम कर सकते हैं, और SBI से भी अच्छा RBI है, RBI से भी अच्छा है NTPC है, बताओ, है ना। तो बिल्कुल भी पढ़ाई में ग्रिप नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को एकदम आगे ले जाओ यार, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा अच्छा एग्जाम है सामने सामने, इतना नज़दीक नज़दीक एग्जाम है, ठीक है। तो उनको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल भी एक दिन भी वेस्ट मत करो, मैं बोलता हूँ 2 मिनट भी वेस्ट मत करो, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।